नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। कुकिंग एग्जाम डॉट इन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नई रेसिपी, टमाटर के पकौड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं थोड़े से बड़े साइज के टमाटर, आप कह सकते हैं मीडियम साइज के। और यहाँ पर हम यूज करेंगे कुछ पीसे हुए मसाले, धनिया पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सौंफ और जीरे का पाउडर। और यहीं पर हम यूज़ करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है धनिया, जीरा, अजवाइन, तेज़पत्ता और बिल्कुल ज़रा सा सौंफ। यहाँ पर हमने आलू को बॉयल कर लिया है और ठंडा करके इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पर हम ले ले रहे हैं ऑयल और इसको इस तरीके से फैला लेंगे, जिससे कि जब हम आलू को डालें तो इसमें ये चिपके ना तलवे पे। और यहाँ से देख सकते हैं कि जो ऑयल है गर्म हो चुका है, तो सारे के सारे खड़े मसाले हम यहाँ पर फटाफट डाल देंगे। और तुरंत से हम डालेंगे आलू। आलू अभी हम थोड़ा ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे खड़े मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए, उनका अच्छा सा महक आने लगे। एक बार फिर से यहाँ पर मसाले रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर धनिया, जीरा, हींग, हल्दी, गर्म मसाला, सौंफ, ये हम पीसे फॉर्म में यूज़ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर। और फिर से थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं यहीं पर आलू। चूँकि हमको ज़्यादा क्वांटिटी में आलू चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने दो बारी में आलू को डाला है थोड़े थोड़े प्रोसेस में। यहीं पर हम डाल लेते हैं मटर को। मटर की जगह पर अगर आप पीनट भी प्रेफर कर सकते हैं, चूँकि मटर का सीज़न, इसलिए मैंने मटर को डाला हुआ है। और ये जो आलू बन रहा है, इसको आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सैंडविच, या आप ब्रेड पकौड़ा बनाएं, या आप आलू की टिकिया बनाएं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसको इस तरीके से हम कट करते हुए इसे मैश कर लेंगे। और जितने भी खड़े मसाले हमको दिख जाएं हमारी आंखों से, उसे हम निकाल लेते हैं बाहर, बिकॉज खड़े मसाले थोड़ा सा कम टेस्ट देते हैं मुँह में। और यहीं पर इसे हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें, और अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और अच्छे से इसे फैला देंगे, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब यहीं पर हम बना लेते हैं बैटर बेसन का। तो बेसन का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 2 कटोरी से बेसन, 3 चम्मच मैदा, अजवाइन, गरम मसाला, नमक, और यहीं पर हम डालेंगे हल्दी और बिल्कुल ज़रा सा बेकिंग पाउडर, लहसुन और मिर्च इस तरीके से मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे आप पेस्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा को 3 चम्मच डालना बहुत ज़रूरी है, इसकी वीडियो स्किप हो गई है उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको ज़रूर से डालना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी बाद। तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे रेस्ट पे रखना ज़रूरी है, और यही कंसिस्टेंसी हम रखेंगे अपने बैटर की। इधर हमने टमाटो को ले लिया है और रेडी कर लेते हैं इसे। तो इस तरीके से पहले गोले गोले में कट करेंगे, फिर अंदर किसी नाइफ या चम्मच की हेल्प से इसके सारे पल्प को, इसके सारे सीड को, जूस को बाहर कर लेंगे इस तरीके से। अगर थोड़ा भी गीलापन रहा अंदर, तो ये आपको फ्राई करते समय परेशान कर सकता है, इसलिए पूरा का पूरा गीलापन बाहर निकाल दें, पूरा का पूरा जूस बाहर निकाल दें। और यहाँ पर देखिए टमाटर के छोटे छोटे मटके मैंने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। और यहीं पर हम भरने का भी प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि आलू ठंडा हो चुका है। तो इस तरीके से हाथों से आप इसको ईजिली भर सकते हैं, और सारे के सारे टमाटर मटके हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से आप कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च की पकौड़ी भी बना सकते हैं, बिल्कुल टेक्सचर यही होता है, इसी तरीके से सॉफ्ट होते हैं, उसकी पकौड़ी भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर इसको हम डेकोरेट कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमें उतना रखना है जितना कि हम इजीली टमाटर को डाल सकें। अच्छा होगा कि आप टमाटर छोटे साइज के प्रेफर करें, जिससे कि एक बारी में सारे के सारे टमाटर आ जाएं। और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बैटर का गाढ़ा होना, परफेक्ट गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टमाटर का सरफेस है वो स्मूथ होता है, तो बैटर टिकना चाहिए टमाटर के ऊपर। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है,
और इस तरीके से हम इसकी कोटिंग कर देंगे। अब कोटिंग करने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर ऑयल में डाल देंगे। सारे के सारे हम इसी प्रोसेस से करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ऑयल है सरसों ऑयल, इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ठंडा भी हमें यूज़ नहीं करना। दोनों ही कंडीशन में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर जो टमाटर के पकौड़े होते हैं जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जो टमाटर की स्किन होती है वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, बहुत ही स्मूद होती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं टमाटर के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें आप चाय के साथ गर्मा गर्म खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। और सब्सक्राइब का बटन दबाते चलिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। और ये हमने सजा दिया है आपके लिए। और ये वही पल्प है जो हमने टमाटर के अंदर से बाहर किया हुआ है। और यहाँ पर एक हम अंदर का जायज़ा ले लेते हैं, अंदर की टेस्टिंग कर लेते हैं कि कैसे हमारे टमाटर के पकौड़े बने हुए हैं। तो इसके लिए मैंने इसको नाइफ से कट कर लिया है आपके लिए। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसे चाय के साथ ज़रूर परोसिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।